नमस्कार, बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशबू। कोरोना के ज्यादातर मरीज हल्के लक्षण वाले हैं, जो होम आइसोलेशन में आसानी से ठीक हो रहे हैं। कुछ लोगों में कोरोना के लक्षण लंबे समय तक रह जाते हैं और इन लोगों में कोरोना से ठीक होने के बाद भी मौत का खतरा ज्यादा होता है। इसके अलावा CDC द्वारा जारी की एक दूसरी स्टडी में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि COVID-19 के हल्के लक्षण वाले मरीजों में कुछ महीनों के बाद भी नए लक्षण पाए जा रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जहां तक महामारी से मरने वालों की बात है, ये निष्कर्ष बताता है कि वायरस से संक्रमित होने के तुरंत बाद हो रही मौतें बस ऊपरी संख्या है। स्टडी के अनुसार जिन लोगों में कोरोना के लक्षण लंबे समय तक रहते हैं, उनमें सांस की दिक्कत के अलावा भी बीमार होने की संभावना और बढ़ जाती है। मरीजों में आगे चलकर स्ट्रोक, नर्वस सिस्टम की बीमारी, डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारी, डायबिटीज की शुरुआत, दिल संबंधी बीमारी, पाचन शक्ति खराब हो जाना, किडनी की बीमारी, ब्लड क्लॉट, जोड़ों में दर्द, बालों का झड़ना और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं। वहीं स्टडी के अनुसार मरीजों को अक्सर एक साथ इनमें से कई चीजों की शिकायत हो सकती है। जिस व्यक्ति में COVID-19 जितना गंभीर होता है, उसे आगे चलकर सेहत संबंधी दिक्कत होने की ज्यादा संभावना रहती है। स्टडी में पाया गया कि इनमें से कोई भी मरीज अपने शुरुआती संक्रमण में अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ था। लगभग 70% लोग ने हल्के संक्रमण से ठीक होने के 1 से 6 महीने के अंदर फिर से अपने डॉक्टर से संपर्क किया। लगभग 40% लोगों को तो किसी विशेषज्ञ से दिखाने की जरूरत ही पड़ गई। तो अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि कोरोना से एक बार ठीक होने के बाद आप बिल्कुल ठीक हैं, तो ऐसा नहीं है। आप कई महीनों के बाद भी कोरोना से बीमार हो सकते हैं या फिर कोरोना से आपकी जान जा सकती है, इसलिए अपने डॉक्टरों से संपर्क में बने रहें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।